ये देखें नाज़रीन, आज बारिश हो रही है और कितना अच्छा मौसम हो रहा है। सारी स्मोक धुल गई है, आसमान बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो आज हम बनाएंगे स्पेशल डिश मौसम के हिसाब से। कितने मज़े की बारिश है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। सब भीगा भीगा जी। तो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सब लोगों का? आज बड़े अरसे बाद मैं कोई वीडियो अपलोड करने लगी हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज बारिश भी है, बहुत अच्छा मौसम है, तो बड़ी ट्रेडिशनल किस्म की डिश हम बना रहे हैं जो कि हमेशा ठंडे मौसम में ही अच्छी लगती है। तो इस बड़ी सादा सी, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं जी हम कढ़ी बनाते हैं उसके ऊपर हमारे पास तरी नहीं आती है, तो आज मैं आपको कढ़ी बना के दिखाऊंगी बहुत ही सादा तरीके से। उसके ऊपर बाकायदा तरी भी आएगी, मतलब मुझे अलग से उसके ऊपर कोई घी या ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हल्के से तेल में हम बघार लगाएंगे बस, वो भी खुशबू और गार्निशिंग वगैरह के लिए। तो ये बड़े सिंपल तरीके से बन जाएगी। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ क्या क्या जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये मेरे पास नमक है, ठीक है, फाइन नमक है। उसके बाद मेरे पास ये लाल मिर्चें हैं, ये हल्दी है, और ये सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें हैं, बारीक काट ली गई हैं। ये हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम कढ़ी में लहसुन अदरक नहीं डाला जाता, स्मेल आती है और पता नहीं क्या। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम लहसुन अदरक डाल देंगे और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन इसकी शर्त ये होती है कि इसको अच्छे से फ्राई करना होता है, मतलब इतना जलाना नहीं है कि वो जल जाए, लेकिन उसकी फ्राई बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, मैंने 4-5 जो है लहसुन के और छोटा अदरक और 2-3 हरी मिर्चें बारीक कूट ली हैं। और ये है मेरे पास साबुत लाल मिर्च और ज़ीरा, ये हम एंड में सिर्फ गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर बघार लगाएंगे। तो ये मेरे पास बेसन है, इसको मैंने छान लिया था। और प्याज हमारे पास जाएगी ये छोटी मीडियम साइज प्याज है, ठीक है, और एक अदद छोटा टमाटर है। अमूमन लोग कहते हैं जी ये टमाटर नहीं डालते, कड़ी वैसी खट्टी होती है, तो ये सब ऐसी फजूल बातें होती हैं। तो ये हम पकोड़े बना रहे हैं साथ में आज। ये है मेरे पास, इसमें मैंने प्याज, पकोड़े की रेसिपी मैं आपको पहले बता चुकी हुई हूँ, इसलिए इसमें बस ये दिखा रही हूँ कि मैंने चीज़ें मिक्स कर ली हुई हैं। इसमें प्याज है मेरे पास, इसमें हमने आलू डाले हैं, सारे मसाले वगैरह इसमें डाल लिए हैं, सब्ज़ मिर्चें भी डाल ली हुई हैं। इसमें बस हम बेसन डाल देंगे और बेसन डाल के इसको ना इसके अपने ही पानी में सब्जियों के ये मिक्स हो जाएगा तब तक। तो मुनासिब मकदार में हम बेसन डाल देंगे इसके अंदर। तो कढ़ी में एक बात हमेशा याद रखनी होती है कि इसमें ना कढ़ी के अंदर बहुत ज़्यादा बेसन नहीं आपने डालना होता, क्योंकि वो फिर कढ़ी नहीं रहती, वो थिक सा गाढ़ा सा सालन बन जाता है। तो उस केस में होता है कि कढ़ी के ऊपर तरी नहीं आती। ये हमने इसको डाल के रख दिया है, और बाकी ये जो हम बेसन है ना ये हम डालेंगे, इसको हम साइड पर कर देते हैं। ये जो बेसन है ना ये हम इस्तेमाल करेंगे अपनी कढ़ी के लिए। तो कढ़ी के लिए ये देखें, ये घर का बना हुआ दही है, खालिस दूध हम भैंस का निकलवा के लाते हैं। तो ये उसका है तकरीबन 3 पाव के करीब, या तकरीबन 1 किलो समझ लें ये है, ठीक है। ये हम ले लेंगे, इसको हम मिक्स करेंगे दही के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं ब्लेंडर ले रही हूँ, ब्लेंडर भी ले सकते हैं, ये चॉपर है बेसिकली, इसमें अच्छा चॉप हो जाता है, चॉप भी होता है और मिक्सिंग भी बहुत अच्छी करता है। इसमें मैं अपना सारा दही डाल दूंगी। ये थोड़ा सा हमने बचा लिया क्योंकि हम जाग लगाएंगे इसकी फ्यूचर में, बल्कि ज़्यादा मुझे थोड़ा और निकालना चाहिए था। तो मैं थोड़ा सा दही निकाल रही हूँ क्योंकि हमें मज़ीद जब दही फ्यूचर में बनाना होगा तो उसकी जाग चाहिए होगी। ये है, और देखेंगे ये तकरीबन 2-3 नहीं तो 4 खाने के बड़े चम्मच ये बेसन होगा। तो कभी भी कढ़ी में ज़्यादा नहीं डालते, इसकी कोई ये लॉजिक नहीं होती कि जितना बेसन होगा उतनी ज़्यादा कढ़ी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि ये भी मुझे ज़्यादा लग रहा है। इसको ये मैंने सारा कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखा था, मुझे शुरू में नहीं पता था कि कितना बेसन डालना होता है, तो मैंने खुद ही एक्सपेरिमेंट कर करके सीख लिया इसको। इसको हम करेंगे बंद, इसको कर लेंगे ब्लेंड। ये हम ब्लेंड करने लगे हैं। ये देख सकते हैं आपके हमारा मिक्सर तैयार हो गया, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला है। अब हम मसाला भून लेते हैं। ये हमने पतीली गर्म होने रख दी है, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, बस इतना काफी होगा। इसमें हम डाल देंगे प्याज, इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, कढ़ी के लिए प्याज को ना कभी भी ब्राउन नहीं करना होता कि जल जाए या उसका कलर बिल्कुल डार्क हो जाए,
उसके लिए हम रखते हैं, बस हल्का सा पिंक करना होता है तो वो काफी रहता है। इसको हम फ्राई कर लेंगे। आंच थोड़ी तेज कर लेंगे। ये देखिए प्याज हमारा हो रखा है, बड़े मजेदार किस्म की कड़ी बनने वाली है। इसको ब्राउन नहीं करना जैसा कि अमूमन हम खाने के लिए करते हैं, उस तरह नहीं करना। ये देखिए प्याज तकरीबन हमारा हो गया तैयार, इतना ही काफी है। इसके अंदर अब मैं डालूंगी लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। ये हमारा आइडियल कलर आ गया इसके अंदर, तो अब मैं डाल रही हूँ। ये देखें इसको हम भून लेंगे अच्छे तरीके से, बल्कि ये तेल मुझे ज़्यादा डल गया, मैं कभी इतना तेल नहीं इस्तेमाल करती खाने में। इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया ये सब, इसमें मैं टमाटर डाल रही हूँ, इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। ये देखिए टमाटर हमारा बिल्कुल गल गया, इसमें मैं बाकी मसाले डाल दूंगी। ये नमक हफ्ते जायका हम डालेंगे, ये तो बाद में ज़्यादा भी डल जाता है अगर कम लगे तो। ये मिर्ची हमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपने डालनी है इसके अंदर। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे सूखी भर बस। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारे गले ना। मसाले को हम ढककर पकने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए ऐसा, अगर आपको नमक मिर्च कम लगती है तो आप इसको इस टाइम पे चेक कर सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने चेक की थी सब ठीक है। अब इसके अंदर मैं ये मिक्सर डाल दूंगी। ये देखिए इसमें बेसन, जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बेसन की बताई है ना उससे ज्यादा नहीं करनी आपने। इसको मिक्स कर लेंगे और मैं इस कंटेनर को हंगाल के इसमें डालती हूँ। ये लेंगी, ये कड़ी हमारी बस रेडी होने ही वाली है। शुरू में इसको तेज आंच पे पकाया जाता है, जब एक दो उबाल आ जाए तो फिर आंच इसकी हल्की कर दी जाती है। तो इसको मैं तेज फुल आंच करके ढक्कन थोड़ा सा उसको टेढ़ा करके रखने लगी हूँ। ये देखेंगे कड़ी की उबाल आना शुरू हो गया, इसको हम ढकना ढक तो
40-45 मिनट के लिए पका लेंगे। ये आप देख सकते हैं कड़ी को उबाल आ गया, बस हमने ये उबाल दिलवाना था इसको तेज आंच पे, तो अब मैं इसको आंच को हल्का करके इसको पकने के लिए रख दूंगी। ये देखते हैं अभी अंदर ही अंदर पकना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसको हम साफ कवर कर देते हैं। अब आप देखें साथ हमने तेल गरम करने के लिए रखा है, ये तेल गरम होने पर ही हमने डाल दिया। इसको हम बनाएंगे पकौड़े। ये देखें पकौड़े का बैटर मैंने तैयार कर लिया था, पानी डाल के मिक्स हो गया, कितना अच्छा इससे कलर आया है। अब हम थोड़े थोड़े करके इसमें पकौड़े डाल देंगे, सॉरी पकौड़े डाल देंगे। ये देखें ये तेल अभी गर्म नहीं हुआ ठीक से, कढ़ाई ना गीली थी इस वजह से छिंटे मार रहे हैं। तो कोशिश करेंगे जब भी आप कुछ तलें तो कढ़ाई या बर्तन आपको ना खुश्क होना चाहिए। अब हम इसमें पकौड़े डालना शुरू कर देंगे, छोटे छोटे डालने हैं ताकि वो अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। मैं तो हाथ से डालना पसंद करती हूँ, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो फॉलो कर लें। ठीक है, जब पकौड़े डाल लें तब आंच चूल्हे की हल्की होनी चाहिए, मैंने हल्की कर ली थी, और जब निकालने होते हैं तब भी हल्की करनी होती है। ये देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये मैं कुछ वैसे मुझे पकोड़े ज़्यादा पसंद तो सबको ही होते हैं खैर, तो ये है कि मैं खाती नहीं हूँ, इस वजह से कि वेट गेन का इशू हो जाता है, कैलोरीज बहुत हाई होती हैं इसके अंदर। एक चूल्हे पर हमारी कड़ी बन रही है, दूसरे पर हम पकौड़े बना लेते हैं तब तक। और पता नहीं वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि सुबह हम पकाना शुरू करते हैं कि रात तक कड़ी पकती है, ये आपके सामने 30-40 मिनट में कड़ी पक के तैयार हो जाएगी। इधर थोड़ी सी जगह खाली है, इस साइड पे इधर भी डाल लेते हैं। ये पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो कल हम इसको नाश्ते में पराठे के साथ भी खाएंगे, तो आपके साथ वीडियोस भी शेयर करेंगे। अब मैं आंच थोड़ी सी तेज कर दूंगी, ये देखिए क्योंकि कम पड़े पड़ रहे हैं इसलिए मैं इसको हिला जुला रही हूँ ताकि ये सारा कवर हो जाए। एक्चुअली मुझे हाथ धोने की बड़ी बीमारी है, तो मैं हाथ बहुत ज्यादा वॉश करती रहती हूँ। घर में आप जैसे मर्जी पकौड़े बना लें, जो मज़ा बाजार के गंदे और कंटेमिनेटेड जरासीम वाले पकौड़ों का होता है उसका कोई जवाब नहीं है। अभी इसको छेड़ना नहीं है क्योंकि कच्चे हैं, अगर आप छेड़ेंगे तो ये सारे मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। ये और कोशिश करेंगे जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करें तेल का काम करें तो बच्चे जो है ना वो पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक होता है, कभी भी कुछ भी हादसे का खुदाना खास्ता बाइस बन सकता है। ये देखें जनाब, जब कड़ी को इस तरह के उबाल आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि वो पकना स्टार्ट हो रही है। अब देखिए अभी ये पक के तैयार भी नहीं हुई फिर भी उसके ऊपर तरी आना शुरू हो गई है। मैं हैरान हूँ, पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं कि तरी नहीं आती, कड़ी पर तरी नहीं आती। तो ये जो अंदर इसके सेंटर में उबाल आ रहे हैं ये वाले, हमें ये रिक्वायर्ड थे तो वो आना शुरू हो रहे हैं। ये देखें ये इसके अंदर जो ये जो सिनेरियो होता है ना, ये हमें चाहिए होता है। इसको हम ढक देंगे दोबारा, तो पकोड़े देख लेते हैं। ये देखेंगे अब हम इनको पलट लेंगे। ये देखें कितना प्यारा इसमें गोल्डन कलर आना शुरू हो गया। ज्यादा ही फ्राई हो गया, खैर चलेगा। अब मैं आंच थोड़ी हल्की कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत तेज हो गया ऑयल।
तरह ये होगा कि बाहर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। ये मैंने आज ढक्की कर दी। कुकी के रोने की आवाज आ रही है, वो कह रहा है कि मुझे बाहर बारिश में छोड़ दिया जाए ताकि मैं ठंड लगवा के बैठ जाऊं। लेंगी तो जनाब पकौड़े हमारे हो गए फ्राई, इनको हम निकाल लेंगे प्लेट में। जैसे कि मैंने बताया था चूल्हा हल्का कर लेना आपने, ये ऐसे, और ये अब मैं इसमें दूसरा राउंड डालने लगी हूँ। चूल्हे को हल्का कर लेंगे मजीद, ये देखें, क्योंकि ये तेल हुआ होता है फुल गर्म तो जब आप डालेंगे तो वो बेचारे जलना शुरू हो जाएंगे। ये आज आप देखेंगे कि कढ़ी जो है हमारी ऐसी तैयार होगी कि उसके ऊपर उसकी अपनी तरी होगी, यानी कि अलग से हमें उसके ऊपर अनहेल्दी, वैसे तो ऑयल होता है अनहेल्दी है, मतलब एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ेगा आपको। ये थोड़ा सा रह गया, मैं यहीं पे इसको एडजस्ट कर रही हूँ इधर उधर करके, राइट लेफ्ट करके। ये एक रह गया तो इधर कहीं, अब ये स्टेज पे हम तेज कर देंगे आँच, मतलब इतनी तेज नहीं करनी, थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। अब मैं साथ साथ किचन की करती हूँ समेटा समेटी, बड़ा खलारा डल गया हुआ है तो तब तक हमारे पकौड़े फ्राई हो जाएंगे। जी तो जनाब कढ़ी हमारी हो चुकी है तैयार, ये देखें इसमें बिल्कुल गाढ़ापन आ गया है, ये बेहतरीन किस्म की तरी भी इसके ऊपर आ गई है। इसको अब हम हटा देंगे और तैयार करेंगे भगार। तो चलिए भगार तैयार करते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। भगार के लिए मैंने जो पकौड़े का तेल था उसको सारा निकाल दिया था कढ़ाई के अंदर से, बस तो थोड़ा सा रख लिया था इतना सा, बल्कि ये भी ज़्यादा है। इसको हम गर्म कर लेंगे अच्छे से, जी तो ये तेल हमारा हो गया गर्म। इसके अंदर मैं वो जो मिर्ची आपको दिखाई थी, ये मिर्चें हैं साबुत लाल और साथ में थोड़ा ज़ीरा है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसको हम अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, इसकी जब खुशबू आने लग जाएगी। ये देखें जलाना नहीं है, बस खुशबू जब आना शुरू हो जाएगी। जो जला रहा होता है ना, जो भून रहा होता है उसे खुशबू नहीं आती, तो आप घर के किसी दूसरे फर्द से पूछ सकते हैं जो बाहर बैठा हो किचन से, खुशबू आ गई है। ये देखें ये अच्छे से फ्राई हो गई है, इसको हम कढ़ी के ऊपर बघार लगा देंगे। तो ये देखें ये हमारी कढ़ी है, ये सारी तरी इसकी ओरिजिनल है अपनी है, मतलब मैंने अलग से नहीं इसमें कुछ डाला, तो ये हम इसमें डाल देंगे। ये भी छींटा इसका बड़ा खतरनाक होता है, इसको मिक्स कर लें। अब कढ़ी को मैं निकाल ली सर्विंग बाउल में और पकौड़े तब ऐड करेंगे, ठीक है, वरना वो पड़े पड़े उसमें नरम हो जाते हैं। जी तो ये देखें कढ़ी हमने निकाल लिया सर्विंग बाउल के अंदर, कितना प्यारा इसका कलर आया। इसमें हम डालेंगे पकोड़े, तीन चार, मुझे वैसे कढ़ी में ज़्यादा पकोड़े पसंद नहीं होते, सीते काफ़ी हैं। इसको हम गार्निश करेंगे, धनिया डाल दें थोड़ा सा, सब्ज मिर्चें इसके अंदर, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, ज़्यादा डबी है, खैर है। तो जी देखें जी बेहतरीन कढ़ी है हमारी, जायकेदार एकदम झटपट तैयार है, तो अभी हम इसको खाएंगे। आज बहुत अच्छा बारिश का मौसम है तो बहुत ज़्यादा टेस्ट इसका आने वाला है।